क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक दियां 6 उंगलां सन। इहदे इलावा तुर्की दे इक कबीले दा नां भी ऐबक है। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी दे कोल कुतुबुद्दीन ऐबक ने जंगा विच अपनी बहादरी दे जौहर विखाए ते इस तरह सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी दे नेड़े हो गया। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी दा कोई बेटा नहीं सी। उन्हें कुतुबुद्दीन नूं हिंदुस्तान विच अपना जागीर मुकरर कर दिता ते कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 तो 1206 दे जमाने विच हिंदुस्तान दे वड्डे वड्डे इलाके सल्तनत गजनी दे विच शामिल कर दिते। नाज़रीन 1206 विच शहाबुद्दीन मुहम्मद गौरी दे कतल दे बाद ओदा भतीजा गयासुद्दीन मुहम्मद गौरी हाकमे सल्तनत बनया। गयासुद्दीन मुहम्मद गौरी ने ताजुद्दीन नू गजनी ते नासरुद्दीन कबाचा नू सिंध दा गवर्नर बनाया। कबाचा भी तुर्की नस्ल दा गुलाम सी ते तरक्की करके इस ओहदे तिकर पहुंचया सी। 17 मार्च 1206 विच सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक दी ताजपोशी होई ते इस तरह हिंदुस्तान विच पहली बाकायदा इस्लामी सल्तनत दा आगाज होया। नाज़रीन कुतुबुद्दीन ऐबक दे मकबरे दी पेशानी ते कलमा तैयबा ते कुरानी आयतां लिखियां होईयां ने। इस सिलसिले विच इह ख्याल रख्या गया है के खताती दे दौरान ओ खत इस्तेमाल कीता जावे जेड़ा के ऐबक दौर विच मुसलमान इस्तेमाल करदे सन ते ओ जमाने दियां इमारतां ते जिस अंदाज दी खताती कीती जांदी सी। मकबरे दे इहाते विच इक छोटा जिहा बागीचा है। इस इहाते विच मुहाफिज दा कमरा है। 4 दीवारी ते कुतुब मीनार बने हुए ने जेड़े के कुतुबुद्दीन यादगार दी अलामत है।